संभल में आज जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से कराने के लिए एवं दिनांक 12 अप्रैल से शुरू हो रहे नामांकन प्रक्रिया के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट निकट बड़ा मैदान में बैरिकेडिंग तथा पार्किंग व्यवस्था को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं नामांकन कक्षों का भी निरीक्षण किया एवं सीसीटीवी से निगरानी रखने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्था का विस्तार पूर्वक जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग एवं पुलिस बल की तैनाती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की एवं संबंधित अधिकारियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के कार्यों को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता पूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अभिलेखागार कक्ष में रखी चुनावी सामग्री एवं स्टेशनरी किट का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी उप निर्वाचन अधिकारी प्रदीप वर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुशील कुमार चौबे, अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा, उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।